सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। ये पीएफपी कलेक्टर सुन ले रहे हमारे शिवराज सिंह अब मध्य प्रदेश के सीएम नहीं है बल्कि वो पूर्व सीएम है। आमतौर पर लोग उन्हें शालीन बोल बोले जाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चुनावी गर्मी में उनके बयान से जो तपिश निकली उसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो झुलसी ही, इसके साथ कमलनाथ भी झुलस गए। उनके बयान की गर्मी में कलेक्टर साहब भी झुलसते नजर आए। एक तो बंगाल में सुना था ममता दीदी बोले उतरने थे, ममता दीदी के बाद कमलनाथ यहाँ गए। अरे भाई सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी के बारे में कहा कि वो बंगाल में उन्हें उतरने नहीं दे रही थी। अब कुछ उसी तरह की भूमिका में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ दादा आ गए हैं। इसके बाद जो कुछ कहा वो किसी राजनेता के मुंह से शायद शोभा नहीं देता है। ये पीएफपी कलेक्टर सुन ले रहे हमारे वो कहते हैं ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे तब तेरा क्या होगा। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे के बाद कलेक्टर साहब ने उनके हेलीकॉप्टर को उमरेट में उतरने की इजाजत नहीं दी थी। दरअसल विवादित बोल वाले नेताओं की कतार में शिवराज सिंह अकेले नहीं हैं। पार्टियों के झंडे का रंग कुछ भी हो, नेताओं की कद और काठी कुछ भी हो, लेकिन जुबा हर एक नेता के करीब करीब एक जैसा है। चुनावी फसल काटने की जुगत में नेताओं को लगता है कि शायद जहरीले बयान ही उनकी या उनकी पार्टी का नैया पार लगा सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।